यूपी से संबंधित ये भी महत्वपूर्ण खबर है। यूपी में बीजेपी के तीन और विधायकों का इस्तीफा। बिल्हौर से विधायक भगवती सागर का इस्तीफा। शाहजहांपुर से विधायक रोशन लाल वर्मा का इस्तीफा। बांदा से विधायक ब्रजेश प्रजापति ने भी पार्टी छोड़ी। इस्तीफा देने वाले तीनों विधायक एसपी में शामिल होंगे। क्या इन सब की निष्ठा स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ है और इस वजह से इन्होंने इस्तीफा दिया है? उमेश, जी जाहिर सी बात है, स्वामी प्रसाद मौर्य का एक बड़ा कद रहा है, खास करके ओबीसी पॉलिटिक्स में, और ये जितने भी विधायक हैं ये उनके करीबी माने जाते हैं। रोशन लाल वर्मा जो कि खुद स्वामी प्रसाद मौर्य का इस्तीफा लेकर के राजभवन गए थे, तो आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कितने करीबी होंगे, उन्होंने इस्तीफा दिया है। इसके अलावा भगवती सागर जो कि बिल्हौर से भाजपा के विधायक हैं, उन्होंने इस्तीफा दिया है। और बांदा के तिंदवारी से ही ब्रजेश प्रजापति ने इस्तीफा दिया। और मैं आपको बताना चाहूँगा, जिन तीनों इलाकों से आते हैं, चाहे शाहजहाँपुर की बात की जाए, कानपुर के बिल्हौर की बात की जाए, या फिर बांदा की बात की जाए, तो ये अगर देखा जाए तो साग के सैनी यानी मौर्य समाज के लिए बहुत बड़ा क्षेत्र है। और ऐसे में तमाम और लोगों की आशंका भी बन रही है। और मैं आपको बताना चाहूँगा दिनेश, आने वाले 48 घंटे बेहद अहम होने वाले हैं यूपी के राजनीति के। जिस तरीके से ये करवट ली, आज की राजनीति ने करवट ली है, जिसमें स्वामी प्रसाद मौर्य जो कि इनका बड़ा कद हुआ करता है ओबीसी पॉलिटिक्स में, पहले बसपा छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी में आए थे और भारतीय जनता पार्टी में मंत्री बने, लेकिन उनका कहना है कि उनके लोगों की उपेक्षा की गई, उनको महत्व कम दिया गया और साथ ही साथ उनके तबके की सुनवाई नहीं हुई। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बहुत बड़ा झटका है। कई और विधायक भी हैं जो कि संपर्क में हैं। ऐसे में अभी कुछ देर पहले मेरी अनिल मौर्य से बात हुई, जो कि घोरावल से विधायक है, बेहद करीबी हैं स्वामी प्रसाद मौर्य के। हालांकि उन्होंने तो इनकार कर दिया है, उनका कहना है कि वो भारतीय जनता पार्टी के साथ ही हैं। लेकिन जिन दो मंत्रियों के नाम की चर्चा हो रही है, दारा सिंह चौहान और धर्म सिंह सैनी से अभी मैंने थोड़ी देर पहले बात की, तो वो कुछ स्पष्ट जवाब नहीं दे रहे हैं। वो कह रहे हैं फिलहाल अभी तो हम बीजेपी में हैं, लेकिन वो इस संभावनाओं को नकार भी नहीं रहे हैं। तो अगर आने वाले 48 घंटे बेहद अहम होने वाले हैं उत्तर प्रदेश की राजनीति को लेकर के, जिस तरीके से अगले 48 घंटे दिल्ली में एक बड़ी बैठक चल रही है भारतीय जनता पार्टी की टिकट को लेकर के, और यूपी में किस तरीके से चुनाव लड़े जाएं और कैसे प्रक्रिया होगी उसको लेकर के, तो वही लखनऊ में भी संग्राम मचा हुआ है जिस तरीके से। अब जरा एक बात बताइए, आप ये जो बात कह रहे हैं इसमें एक संभावना समझनी बड़ी आवश्यक है। उमेश, यहाँ बैठकें चल रही हैं, वहाँ पर ही अपील की जा रही है कि जल्दबाजी में फैसला लिया जाना ठीक नहीं है, मैं चाहूँगा कि वो बैठें और बात करें, ये जो इशारे हो रहे हैं कहीं कोई आपको रिवर्सल भी दिखाई दे रहा है, या ये कदम उठ गए हैं तो अब फाइनली उठ गए हैं, या कहीं कुछ हो सकता है और इससे भी ज़्यादा ड्रामेटिक हो सकता है, ये भी ज़रा हम जानना चाहते हैं। जी देखिए, स्वामी प्रसाद मौर्य का जो इंटरव्यू अपने TV9 भारतवर्ष पे चला था, जिसमें उन्होंने संकेत दिए थे, उसके बाद 2-3 दिन का वक्त था और ऐसे में उन्होंने ये फैसला लिया है, तो सोच समझ के फैसला लिया है। और हमेशा से स्वामी प्रसाद मौर्य ने जब भी BSP छोड़ी थी उस वक्त भी अपने समाज के लोगों के बीच में बैठ करके उन्होंने बात की थी और वक्त लेने के बाद उन्होंने इस्तीफा दिया था। और ऐसा ही भारतीय जनता पार्टी छोड़ते समय भी उन्होंने किया है, जब उन्होंने मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया है। कई लोग उनके आवास पर यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, तमाम विधायक पहुँचे हुए हैं, इसके अलावा उनके समर्थक जुड़े हुए हैं। उनका कहना है कि सब कुछ सोच समझने के बाद, सारे चीज़ों को परखने के बाद स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने जो इस्तीफा दिया है उसका वो स्वागत करते हैं। साथ ही उनका कहना है कि आने वाले 1-2 दिन में सारी चीज़ें तय हो जाएगी, कैसे किस तरीके से समाजवादी पार्टी में ज्वाइन होना है। और मैं आपको बताना चाहूँगा, 13 तारीख बताया जा रहा है, 13 तारीख में समाजवादी पार्टी को ज्वाइन कर सकते हैं ये नेता। और 13 तारीख को संभावित है कि समाजवादी पार्टी की पहली लिस्ट आए और इस पहली लिस्ट में इन लोगों को भी जगह दी जाए जिन्होंने स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ इस्तीफा दिया है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।